कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम बोल के किसी भी लैंग्वेज का टाइपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ इस तरीके की एक सिंपल टेक्निक है, एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ। उस सेटिंग को इनेबल करने के बाद आपका जो आप जब बोलोगे वहाँ पर टेक्स्ट बोलोगे तो जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए उस लैंग्वेज में आप आपका टाइपिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज में चाहे मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप टाइपिंग कर सकते हो। दोस्तों वीडियो आने वाले हैं वो स्पेशल वीडियो, कर दीजिए फटाफट से एक लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों इस वीडियो का मैं लाइक कम रखने वाला सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक, तो दोस्तों पूरा कर देना यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करके दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे थंबनेल के ऊपर मैं टेक्स्ट ऐड करके दिखाऊंगा, यूट्यूब का जो थंबनेल होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये कहीं पे भी आप चाहो तो गूगल पे करो, व्हाट्सएप के ऊपर करो, कहीं भी करो, काम करेगा ये। तो आपको सबसे पहले क्या कर देना है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में देना, यानी कि जहाँ से आप टेक्स्ट ऐड करते हो वहाँ पे आपको जाना है। और फिर इसको न्यू टेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके यहाँ नहीं आएगा तो इसको कट कर देना है। तो फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक माइक का आइकन है, माइक का आइकन, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी मैं अभी बोलूँगा वो सब कुछ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल दूँगा हाय, हेलो, हेलो, हाय, हाय, हेलो, हेलो, हाय, हाय, हेलो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से सेटिंग में जा सकते हो। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे इस लैंग्वेज को आप जिस चाहे लैंग्वेज में रख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मराठी मराठी मिल जाता है। तो फिर मैं अभी इंग्लिश करके दिखाता हूँ, मराठी अभी आपको दिखा दूँगा बाद में। तो फिर ये देखिए इंग्लिश में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि हो गया इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश कैनेडा, इंग्लिश जेनरिक, इंग्लिश गाना, जो कुछ भी, इंग्लिश इंडिया। तो जिस भी देश से आप है उस देश को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इंडिया का हूँ तो मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। और फिर यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे वापस इसमें जाके, कभी कभार ये सेव नहीं मैंने किया था, गलती से माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने सेव नहीं किया था इसे और जल्दी से मैं बैक आ गया था। तो इसको आपको सेव भी करना है। तो मैं अभी यहाँ से मराठी सिलेक्ट कर लेता हूँ लैंग्वेज अपनी। तो यहाँ पे अरे यहाँ से मराठी आपको ढूंढना पड़ेगा, ये रहा। तो इसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो बैग मैं अभी इंग्लिश ही रखूँगा, वैसे भी इंग्लिश शायद सिलेक्टेड प्राइमरी लैंग्वेज देखिए आ जाता है नीचे। तो ये यहाँ पे सेव आपको कर देना है, बाद में आपको बैग आना है सेव करने के बाद। तो अब आपको आपका जो मेन कीबोर्ड होगा उसके ऊपर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला वाला ये ABC और दूसरा वाला ये ऐसा एक लेटर बना होता हुआ होता है। तो आप जिस भी लैंग्वेज का, ऐसा मान लो अगर आप इंग्लिश का टाइप कर रहे हो तो आपको ABC के ऊपर रखना है, और अगर आप मराठी हिंदी ऐसे कुछ लैंग्वेज का बारे में टाइप कर रहे हो तो आपको इस वाले पहले वाले हिस्से पर रखना है। और चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी लिखता हूँ तो ऐसे आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ सब कुछ। तो अगर मैं इसको वापस क्लिक करके यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ये देखिए मैं इंग्लिश कीबोर्ड में लिख रहा हूँ फिर भी मराठी टाइप हो रहा है। तो ऐसा होता है सब कुछ, बहुत अच्छा होता है कि इसमें दो फीचर्स मिलते हैं हमें। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ली हा, तो अगर हम इंग्लिश में ली हा ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर मराठी में वैसा ही आएगा, हिंदी में वैसा आएगा। तो फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ, हेलो हाउ आर यू, तो फिर यहाँ पे ये देखिए आ गया, ये यहाँ पे टाइप हो गया है। तो ऐसे ही आप मराठी लैंग्वेज का भी कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज का आप चाहो उस लैंग्वेज का आप ऐसा कर सकते हो। और हाँ ये हर कहीं ट्रिक काम कर जाती है, अगर आपको यूट्यूब पे करना है ये काम करेगा, किसी भी यहाँ पे आपको करना है ये पूरी तरीके से काम करेगा, व्हाट्सएप पे करना है काम करेगा ये टेक्निक। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।